आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं निर्मल शाह एक बार फिर कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक लिए। पिछले हफ्ते मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि दोस्त के भेष में हमारे साथ जो आदमी रहते हैं वो हर वक्त दोस्त होता है या मैनिपुलेटर होता है। ऐसे दो तीन ट्रिक हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं कि जिसमें आपको पता चलेगा कि ये बंदा सही में आपका दोस्त है या अपना उल्लू सीधा कर रहा है आपके कंधे पे बंदूक रख के। तो इस हिसाब से मुझे लगता है और दो तीन ट्रिक है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे अहम जो ट्रिक है वो है मैनिपुलेटिंग ट्रिक ऑफ डिसऑनरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अगर कोई भी घटना हुआ किसी भी इंस्टेंस के लिए अगर आप उनको जिम्मेवार ठहराते हो तो ये नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। पहले तो मुकर जाएगा, नहीं तो ये कोशिश करेगा कि कैसे इसको आपके सर पे थोपा जाए ताकि आपके कंधे पे बंदूक रख के वो फायर कर सके। ऐसा बंदा कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप उनसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहे हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको दे रहे हो तो वो हाँ या ना कहने के बजाय अगर साइलेंट रह जाए और साइलेंट रह के भी वो काम ना करे, मतलब ये बंदा आपके दोस्ती के लायक नहीं है। मतलब हम सब लोग हम अपने दोस्तों से या अपने करीबी जो है उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हर कोई मॉनेटरी कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन एम मौके पर या किसी क्रंच टाइम पे अगर कोई काम ना है तो दोस्त कैसा। तो इसी हिसाब से अगर आप देखो कि आपकी कोई क्रंच टाइम चल रहा है, आपके सर पे बहुत सारी मुश्किल आ रहा है और आप उसमें से एक जिम्मेवारी आपके दोस्त को दे रहे हो तब कि यार मेरे लिए ये काम कर दे या तू अगर कर देगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो ढंग से आपको हाँ बोले या पड़ाक से ना बोले तो समझ लो बंदा बहुत जेन्युइन है कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते या तू चिंता क्यों कर रहा है मैं कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो दोस्ती जायज है। लेकिन अगर वो चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे, आपको कुछ भी ना बोले और काम भी ना करे, मतलब ये बंदा दोस्त नहीं है। ये आपके आपसे रिश्ता जोड़ के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। होशियार रहे ऐसे मुंह बोली दोस्त से। और उसके बाद एक ट्रिक और आता है जो है कि अगर किसी भी चीज को लेकर आप दोनों में अनबन हो गया, जैसे भी दोस्त हो, जिस लेवल का भी फ्रेंडशिप हो, अगर कोई अनबन हो गया आप दोनों में और उस अनबन में आपको भी लग रहा है उनको भी लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ ना होकर वो भी इसका काउंटर कोई एक्सक्यूजेस दे रहा है, मतलब ये रिश्ता दोस्ती नहीं है। ये नहीं हो सकता दोस्ती, ये पार्टनरशिप हो सकता है, ये कॉम्पिटिशन हो सकता है, ये कोलीग हो सकता है, लेकिन दोस्त नहीं हो सकता। और एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है कंट्रोलिंग टेंडेंसी। मतलब जिस किसी भी हालत में आप हो, जहां कहीं भी आप हो, अगर उसके साथ हो या ना हो, फिर भी वो एक ऐसा एटीट्यूड दिखाएगा कि वो रिमोट से आपको कंट्रोल करना चाहता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, आप इनसे क्यों मिल रहे हो, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप ये सब चीज़ क्यों खा रहे हो, आप ये क्या किताब पढ़ रहे हो, आप कौन सी मूवी देखने जा रहे हो। अगर ये सब कंट्रोल उनके हाथ में चला गया, या तो आप उन पर डिपेंडेंट है, आपका कोई अनकंडीशनल वीकनेस है, अगर ये नहीं है तो ये बंदा आपको कंट्रोल कर रहा है क्योंकि उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। और जब इंटरेस्ट निकल जाएगा तब ये बंदा सबसे पहले जिसको दोषी मानेगा वो है आप। काम ठीक से हो या ना हो, नतीजा उसके हक में निकले या हक में ना निकले, फिर भी वो आपको दोषी ठहराएगा क्योंकि आपसे उनका काम बन गया। आप वो नहीं चाहता कि आपके साथ उसका कोई रिश्ता हो। ये बहुत छोटी बहुत कॉमन ट्रिक्स है जो हर वक्त हम लोगों के साथ होता है। हम लोग कभी सोचते भी है लेकिन ठीक से पहचान नहीं पाते। जब हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमें ठग दिया, मानो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपके किसी ऐसे ही दोस्त के कारण। जब जाके आपको पता चलेगा कि उसके कारण आपका ये नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, जब तक आपको पता चलेगा तब तक वो आपके पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा।
तो जितने भी दोस्त बनाना है, जहां कहीं भी दोस्त बनाना है, जब भी दोस्त बनाना है, ये बातें ध्यान में रखना कि वो आपको कंट्रोल ना कर सके पूरी तरह। ये आपका भी एक आइडेंटिटी है, आपका भी एक वजूद है। अगर आप खुद की डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो, किसी दूसरे पे आप डिपेंडेंट हो गए हो, मतलब आप पैरासाइटिक हो गए हो, लाइक ड्रग डिपेंडेंस और समथिंग लाइक दैट। उम्मीद करता हूं कि ये जो दोस्ती के बारे में चार नीचे बोल हमने बोले हैं, ये आपको अच्छा लगे, या आपके दिमाग में अगर ये कोई भी सवाल पैदा करे तो बेझिझक वो सवाल आप हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इस सवाल का ठीक ठाक जवाब देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए